हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज का वीडियो और आज का पैकेज बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस पैकेज को शिप किया है राम कॉमिक्स गाजियाबाद ने, लेकिन इसको पैक किया है राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता ने, जैसा आप देख सकते हैं। और साथ में एक मैसेज भी है, थैंक्स फॉर बीइंग द पिलर ऑफ अवर सपोर्ट। इस डब्बे को मैं वीडियो पे नहीं खोलूंगा क्योंकि इसमें है एक कॉमिक्स जिसको आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ है दूसरी कॉमिक्स जो है थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल, जिसको हम बहुत जल्द लेकर आएंगे वीडियो पे। लेकिन अगर कोई गेस कर सकता है कि उसमें कौन सी कॉमिक्स है, तो शुरू के तीन लोगों को, यानी कि पहले तीन सही गेस करने वाले लोगों को मिलेंगे डोगा के स्पेशल कलेक्टर कार्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट गेस करना शुरू कर दीजिए। आप गेस करना शुरू कीजिए, मैं अनबॉक्स करना शुरू करता हूं अपनी कॉमिक्स को। तो फटाक से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या है इस बॉक्स के। तो दोस्तों, अनबॉक्स तो हम इसको कर चुके हैं, बात है आती है इसको अनरैप करने की। और अनरैप करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैं जिस कॉमिक्स की बात कर रहा था वो कॉमिक्स है आखिरी का स्पेशल कलेक्टर एडिशन। दोस्तों, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद कह सकते हैं, या ये कहिए कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाने के बाद ये कॉमिक्स हमारे सामने आई है। और इस कॉमिक्स को बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने लेकर आया गया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इसके पहले श्रिंक रैप को ओपन कर देते हैं। दोस्तों, ये जो कॉमिक्स आपकी आती है ये स्लिप केस, इसका श्रिंक रैप के अंदर पैक्ड होता है, जिसकी वजह से इसको मिल जाती है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी स्क्रैच मार्क इस पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये है इसका फर्स्ट लुक, जिसके टॉप पे आप देख पा रहे हैं धीरज वर्मा जी की बनाई हुई आर्ट, जो कॉमिक्स का एक कवर आर्ट भी है। और इसी के साथ साथ इस आर्ट को एक थीम कलर बेस्ड कर दिया गया है, और इस कलर को आप देख पाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कलर है परमाणु का कलर। मल्टी स्टारर कॉमिक्स है, लेकिन इसमें जो हीरोइक एक्ट है, और ये कहिए एक मेजर रोल प्ले किया था, वो किया था परमाणु ने, तो उसी को लेते हुए येलो कलर दिया गया है। और इसमें दोस्तों आपको यूवी लेयरिंग देखने को मिलेगी, यानी कि सेलेक्टिव ग्लॉसी मैट और ग्लॉस का वही मिक्सचर जो अभी तक हम हर स्पेशल कलेक्टर एडिशन में हमको देखने को मिलता है। इसमें देखिए परमाणु और इसके ऊपर ग्लॉस है, और उसके साथ आखिरी का जो ये टाइटल है इसके ऊपर ग्लॉस है, संग्राहक संस्करण ग्लॉस में है, इसके अलावा जितने भी लोगोज हैं वो सभी ग्लॉस में है, और बाकी पीछे का एरिया है मैट लेमिनेशन में। साइड से हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए परमाणु का ही फोटो लिया गया है। आखिरी सीरीज परमाणु की एक बेस्ट सीरीज में से कह सकते हैं, जिसमें उसको एक बेस्ट रोल प्ले करने को मिला है। बैक साइड में दोस्तों ड्रॉ की गई है एक एक्सक्लूसिवली डिजाइन कवर आर्ट, जिसमें सारे ब्रह्मांड रक्षक आपको देखने को मिल रहे हैं, अडिग भी है, और इसके साथ साथ गगन भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसमें भी जो आउटलाइन है वो ग्लॉस में है, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें मैट में हैं। तो पूरा प्रॉपर ग्लॉस और मैट के कॉम्बिनेशन के साथ ये मैट कवर हमको देखने को मिल जाता है। इसको स्पॉट यूवी में सेलेक्टिव ग्लॉसी में पूरा प्रॉपर अच्छे से सजा दिया गया है, और उसके साथ साथ इसका जो ये स्लिप केस है परफेक्ट फिटिंग में आ जाता है, किसी तरीके का कोई लूज नहीं है, प्रॉपर फिटिंग में आता है। अगर आप इसको देखें तो अंदर रखिए, कॉमिक सेफ, बाहर निकालें जब पढ़ना हो पढ़ें। तो ये है इसका दोस्तों प्रॉपर एक स्लिप केस। इसके अंदर दोस्तों हमको मिल जाती है आखिरी रक्षक, परकालों की धरती, ब्रह्मांड योद्धा, विश्व रक्षक, अदृश्य षड्यंत्र, ब्रह्मांड विखंडन, ब्रह्मांड विस्मरण और ब्रह्मांड संहिता वाली कॉमिक्स। और अगर हम इसके प्राइस की बात कर लें दोस्तों, तो 1117 रुपये इसका प्राइस है, जिसपे आपको मिल सकता है 10% तक का डिस्काउंट आपके अपने सेलर से। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्पेशल कलेक्टर एडिशन की। ये तो हो गई थी स्लिप केस की बात। तो स्पेशल कलेक्टर एडिशन का अगर आप ये कवर पेज देखें तो इस आर्ट को बेहद खूबसूरती से बनाया गया है दिलदीप सिंह जी के द्वारा, और इस पे जो इंकिंग की गई है वो है जगदीश कुमार सिंह की, और मोइन खान जी के कलर इफेक्ट इसमें हमको देखने को मिले हैं। और उसके साथ साथ आप इसमें भी देख सकते हैं एक प्रॉपर स्पॉट यूवी का बेहतरीन काम इसमें किया गया है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स आप इसमें देख रहे हैं, ध्रुव और परमाणु दोनों लैमिनेटेड हैं, आखिरी का टाइटल और जितने भी लोगोज इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी प्रॉपर लेमिनेशन में हैं, और उसके अलावा जितना भी पार्ट है वो है प्रॉपर मैट में। सेम साइड में भी आप देख सकते हैं, और ये आ जाता है आपका बैक पार्ट। तो अगर आप इस कवर को देखें तो ये कवर बात करता है कहानी की शुरुआत की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ध्रुव और परमाणु ही बचे थे, और पूरी पृथ्वी तबाह सी दिख रही थी, जिसमें कोई भी इंसान देखने को नहीं मिल रहा था। तो उस सीन को, यानी कि इस सीरीज की शुरुआत को बेहद खूबसूरती से, बेहद खूबसूरत रंगों के साथ उकेरा गया है दिलदीप सिंह के द्वारा, जगदीश जी की इंकिंग और मोइन खान जी के कलर्स के द्वारा। अब बारी है दोस्तों इसको ओपन करके देखने की कि अंदर से किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर इसके पेजेस की मैं बात करूं तो इसमें टोटल है 408 पेजेस, जिसमें से 368 यानी कि 368 पेजेस हैं आपके कहानी के, और हमको दिए गए हैं 40 बोनस पेजेस, जो टोटल मिलके बन जाते हैं 408। इसको ओपन करते हैं तो फ्रंट एंड बैक में आपको नॉर्मल येलो पेजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आर्ट अभी हमने ध्रुव के दो कलेक्टर एडिशन में देखी थी उस तरीके की कोई आर्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसा कि यहाँ येलो थीम था, तो इस बार पहली बार ऐसा हो गया है कि
बाय डिफॉल्ट ये थीम मैच कर गई है परमाणु की थीम से। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है यही वाला कवर, लेकिन अपने ओरिजिनल कलर्स में। इसमें शुरुआत में दोस्तों चार एक्स्ट्रा पेजेस दिए गए हैं, यहाँ पे कवर आर्ट दिलदीप जी वाला, जिसको परमाणु के ही, आप देख सकते हैं इस पूरी सीरीज को परमाणु के रंग में ही रंगा गया है, यानी कि येलो ब्लू एंड व्हाइट कलर में। तो वही आर्ट लेकिन दूसरे कलर फॉर्मेट में। यहाँ पे मूल श्रृंखला रचनाकार दल आपको देखने को मिलेगा यानी क्रेडिट्स, और उसके बाद संग्राहक संस्करण का रचनाकार दल है, उनके क्रेडिट्स यहाँ पर हैं, साथ में संस्थापक। और उसके बाद हम आगे आ जाते हैं तो यहाँ हमको देखने को मिलता है इसका डिस्क्लेमर पेज, और साथ ही एक बेहतरीन शॉर्ट कॉमिक्स के अंदर से परमाणु और ध्रुव का, और डायरेक्टली कहानी शुरू हो जाती है बिना किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट या कवर पेज के। तो अगर हम कहानी के साथ आगे बढ़ें तो दोस्तों पहली कॉमिक्स आखिरी रक्षक चलती है। पेपर क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो पेपर क्वालिटी काफ़ी थिक है, आर्ट पेपर का यूज़ किया गया है, प्रॉपर ग्लॉसी है, यानी कि प्रॉपर ग्लॉसी का मतलब है कि पेपर क्वालिटी अच्छी, लेकिन पढ़ने के लिए थोड़ा सा एंगल एडजस्टमेंट की मेहनत। उसके अलावा किसी तरीके की कोई शिकायत आपको इन पेपर्स में देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसमें। तो आपको प्रिंटिंग को लेके, पेपर क्वालिटी को लेके या पेपर की थिकनेस को लेके किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। यहाँ पे बीच में एड्स आ जाते हैं, उसके बाद जो एड आपको आखिरी रिएक्शन में पहले देखने को मिले थे, यानी ओरिजिनल एड्स, और उसके बाद शुरू हो जाती है परकालों की धरती। इसी तरीके से सभी कॉमिक्स एक के बाद एक अपने एड्स के साथ आती जाती हैं। सिर्फ जो चीज़ हटाई गई है वो है इनके फ्रंट यानी कि टाइटल कवर्स, जो हमें एंड में देखने को मिलेंगे बोनस कंटेंट के फॉर्म में। इसके अलावा सारे एडवर्टीजमेंट्स बीच में देखने को आपको मिलते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके दिए गए बुकमार्क की। एक साइड में आपको बुकमार्क देखने को मिलेगा जिसमें परमाणु और नागराज दोनों देखने को मिलेंगे, और इस तरफ सिर्फ नागराज का आपको आर्ट देखने को मिलेगा इस बुकमार्क के ऊपर। तो दोस्तों कहानी को लेकर अगर मैं बात करूं तो कहानी इसकी बहुत ज़्यादा एक तरीके से टिपिकल स्टोरी है, और इसमें पुनरुत्थान सीरीज और सर्वनायक सीरीज और पापा फेरी सीरीज का भी रेफरेंस लिया गया है। अब बस ये देखना है कि सर्वनायक पूरी कब होगी, पुनरुत्थान आएगी कब, और पापा फेरी को हम कब अपने हाथों में लेकर पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों बाकी इसके अलावा इसमें सारे करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, अडिग भी मिलेगा, और उसके साथ साथ सुपर इंडियन का भी अच्छा खासा रोल है, यानी कि मल्टीपल करेक्टर्स वाली ये कॉमिक्स है। किसी भी तरीके की कोई शिकायत इन कहानी वाले पन्नों में दोस्तों आपको नहीं मिलेगी, और अगर मुझे डिटेल्ड में इसको चेक करने के बाद कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बट अगर हम फर्स्ट लुक की बात करें तो फर्स्ट लुक में किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं आती। एक बार बात कर लेते हैं बाइंडिंग की, तो मैं इसको रैंडमली बीच में से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसको बिना किसी सपोर्ट के हम ओपन रख पा रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास पेपरबैक एडिशंस नहीं भी हैं और आप सिर्फ कलेक्टर एडिशन लेना चाहते हैं तो कलेक्टर एडिशन आपका सिर्फ दिखाने का नहीं है, पढ़ने का भी है। आप इसको ईजिली ओपन करके पढ़ सकते हैं, प्रॉपर बाइंडिंग है, प्रॉपर इसको पिक स्टिक किया गया है, गम जो भी इसमें दिया गया है, तो आपको ना टूटने की चिंता करनी पड़ेगी, ना इसके ब्रेक होने की किसी तरीके की, ना बैक ब्रेक होगा। अच्छे से इसको आप प्रॉपर रीडिंग के यूज में भी ला सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं बोनस पेजेस की, यानी कि जहां पे हमको देखने को मिलेगा हमारा स्वर्ण पृष्ठ। इसमें हमारे सामने आया है दोस्तों स्वर्ण पृष्ठ 7। तो इस स्वर्ण पृष्ठ 7 में जो थॉट्स और एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं, तो सबसे पहले देखें किसका आता है। यहाँ पे हम देखें तो हमें देखने को मिलते हैं संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी के बाद हमारे सामने आते हैं नितिन मिश्रा जी। तो इस स्वर्ण पृष्ठ 7 में जिन दो लोगों ने अपने थॉट्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं इस कहानी को लेके, इस कॉमिक्स को लेके और राज कॉमिक्स को लेके, वो दो लोग हैं संजय गुप्ता जी एंड नितिन मिश्रा जी। इसके अलावा अगर हम आगे आ जाएं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सभी कॉमिक्स का एक फ्रंट कवर, और उसके साथ साथ उसकी बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स यानी कि उनकी संख्या, उनका पृष्ठ संख्या कितनी है, उनका प्रकाशक वर्ष कौन सा था, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ हमको देखने को मिलती हैं। आखिरी रक्षक का ऐड, परकालों की धरती का ऐड, ब्रह्मांड योद्धा, विश्व रक्षक का ऐड यहाँ पर है, अदृश्य षड्यंत्र, ब्रह्मांड विखंडन, ब्रह्मांड विस्मरण, और उसके साथ साथ ब्रह्मांड संहिता यहाँ देखने को मिलती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है दर्शक दीर्घ और अतिरिक्त सामग्री। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट में आप देखिए आखिरी रक्षक का मुख पृष्ठ, इसके बाद परकालों की धरती, इसके बाद ब्रह्मांड योद्धा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे विश्व रक्षक का ऐड, अदृश्य षड्यंत्र, ब्रह्मांड विखंडन, ब्रह्मांड विस्मरण, और यहाँ पे ब्रह्मांड संहिता का जो कवर पेजेस हैं वो सारे हमको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जो छोटे फॉर्मेट में हमको सारे एड्स दिखाए गए, कहानी की बेसिक डिटेल यहाँ पे, मतलब कहानी के जिक्र के साथ साथ ये भी जिक्र किया गया है कहानी बढ़ाते वक्त क्या विचारधारा रही थी इस कहानी को लेकर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब इसकी अतिरिक्त सामग्री में। तो यहाँ पे आप कवर पेज का देख सकते हैं पेंसिलिंग वाला पार्ट, मैं आपको क्लोजली इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेंसिलिंग पहले,
उसके बाद इंकिंग, देन उसके बाद यहाँ पे फ्लैट कलर्स में जिस तरीके से इस आर्ट को क्रिएट किया गया, और उसके बाद जो कवर पेज है वो तो हम यहाँ पर देख ही सकते हैं किस तरीके से उसमें इफेक्ट्स यहाँ पर लग गए थे। इसके अलावा हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं देखने के, जैसे कि ये पेंसिल वाला पार्ट और पेंसिल से किस तरीके से वो हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में बनकर आया था, जिसमें कि ये हमने अपने सामने देखा था। इसके अलावा धीरज जी ने जो अपने समय में उस वक्त इस कवर को बनाते वक्त जो विश्व रक्षक के लिए एक सैंपल कॉपी दी थी, या आप ये कहिए एक ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट किया गया है। उसके अलावा जो फाइनल आर्ट थी उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके से वो क्रिएट होकर हमारे पास आई थी। ये सभी डिटेल्स यहाँ पे लिखित में भी हमको दी गई हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो आर्ट्स हैं हेमंत जी की आर्ट, और उसमें जो सुझाए गए विकल्प थे क्या क्या चेंजेस होने हैं, उस सब के बाद जो आर्ट तैयार होकर आई थी उसके कुछ सैंपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये तदाम गायदू जी की आर्ट है, ये हेमंत कुमार जी की आर्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोनों आर्ट्स में किस तरीके से उनको तैयार किया गया, क्या क्या उसमें चेंजेस किए गए, क्या क्या उसमें विचार रखे गए, वो सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और एक नहीं मल्टीपल पेजेस, आप इस वाले जिस कवर को देखिए वन और टू, यहाँ पे भी ध्रुव और परमाणु है और यहाँ पे भी ध्रुव और परमाणु है, लेकिन ये फाइनलाइज वाला है और ये विकल्प वाला है। ऐसे ही यहाँ पे धीरज जी ने जो सुझाया था सुझाव, और उसके बाद जो फाइनल आवरण है वो आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट कॉमिक्स की डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगी। नागराज के पोस्टर्स में तैयार किए गए हैं सैम्पल पोस्टर्स, किस तरीके से उसको हमें दिखाना है, किस तरीके से बनाना है। और यहाँ पे जो सैम्पल बनता है ना, जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट की फॉर्मेट भी आपको यहाँ दी गई है। लास्ट हीरोज इशू टाइटल जो पहले रखा गया था, आखिरी लास्ट सर्वाइवर का, तो सभी के जो डिटेल्स हैं बेसिक बेसिक डिटेल्स वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आप इसको देख के ये भी समझ सकते हैं कि कहानी लिखने के लिए किस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है। और यहाँ पे एक और सैम्पल जिसमें दिखाया गया है किस तरीके से इंकिंग है, किस तरीके से स्केचिंग है, और किस तरीके से पेंसिलिंग है। लेकिन कुछ कवर इसमें ऐसे थे जिसमें इंकिंग की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी, जैसे ये वाला और ये वाला पेज आप देखें तो इसमें बिना इंकिंग के ही काम कर दिया गया, इसमें आवश्यकता रही ही नहीं थी। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे पेंसिल हैं जिस पर इंक करना ज़रूरी होता है, तो उस पर इंक यहाँ पे किया गया। कुछ आर्ट में हमको प्रॉब्लम दिखती भी इसी पर्पज़ से है, क्योंकि इसमें कई जगहों पर विदाउट इंकिंग भी कलरिंग की गई थी इस आर्ट के बाद। और यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों फ्लैट येलो पेजेस। तो ये है कंप्लीट कलेक्टर एडिशन जिसको हमने अभी अनबॉक्स किया, और अनबॉक्स करने के बाद ये अभी तक सही सलामत हालत में है, यानी कि इसकी क्वालिटी पढ़ने लायक तो बिल्कुल बन जाती है। आप देख सकते हैं अभी भी ये इतनी पिटाई भी झेल पा रही है। तो इसके साथ दोस्तों अब मैं फटाफट से बात कर लेता हूँ इसमें दी गए नवल्टी आइटम्स की। दोस्तों फटाफट से बात कर लेते हैं इसके साथ में मिली नवल्टीज़ की। तो पहली नवल्टी तो आप देख सकते हैं यही वाला कवर आर्ट है, यानी कि इसका आइकॉनिक आर्ट है। आखिरी की शुरुआत समझिए इस आर्ट से, तो इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये है लार्ज साइज लेज़र कट MDF बोर्ड का बना हुआ फ्रिज मैग्नेट, और इसकी जो लेमिनेशन है वो लेमिनेशन ग्लिटर लेमिनेशन है, यानी कि अगर हम इसको लाइट में देखें तो ये हल्का हल्का सा शाइन करता हुआ आपको दिखता है। फ्लैट लेमिनेशन नहीं है, ग्लिटर लेमिनेशन है। अगर आप इसको इसमें देख पा रहे हैं तो ग्लिटर लेमिनेशन होने की वजह से, और साइड में ये लेज़र कट है जिसकी वजह से बहुत अच्छी आर्ट ये बन जाती है। तो एक बेहतरीन सा ये मैग्नेट स्टिकर हमको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और मैग्नेट स्टिकर है जो है मैग्नेटिक शीट, और ये आपका फ्रिज मैग्नेट है, इसको आप फ्रिज पर लगा सकते हैं। नागराज का ये स्टिकर है। कई फैंस को शिकायत है भाई इसमें नागराज का स्टिकर क्यों दिया गया है, परमाणु का देना चाहिए था। तो परमाणु का आपके पास MDF बोर्ड का मैग्नेट स्टिकर आ जाता है, और नागराज तो भाई नागराज है, RC का चहेता है, तो आपको ये तो देखने को मिलेगा ही, नागराज को आप नहीं हटा सकते। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास आ जाता है जो कवर पेज है, इस कवर पेज का ये एक स्केच कार्ड जिसपे पेंसिलिंग के बाद जो तैयार हो गया है, इसमें आप साइन देख सकते हैं दिलजीत जी के साइन है और जगदीश जी के साइन है, यानी कि आर्ट और इंकिंग के बाद का हमारे पास ये स्केच कार्ड मिल जाता है। और इसके साथ हमारे पास हैं कवर आर्ट सभी कॉमिक्स के, ब्रह्मांड विखंडन का कवर आर्ट जिसके पीछे आप देख सकते हैं इसका एड और इसकी समरी, इसके अलावा अदृश्य षड्यंत्र और अदृश्य षड्यंत्र का एड और उसकी एक बेसिक समरी, ब्रह्मांड विखंडन ब्रह्मांड विस्मरण का और उसका एड एंड उसकी समरी, विश्व रक्षक का और विश्व रक्षक का एड, विश्व रक्षक की बेसिक सी समरी, ब्रह्मांड विखंडन का कवर आर्ट, ब्रह्मांड विखंडन का एड और उसकी एक छोटी सी समरी, यहाँ पे आखिरी रक्षक यानी कि पहले पार्ट का जो कवर पेज और उसका एडवर्टीजमेंट और उसकी यहाँ पे एक समरी, ब्रह्मांड योद्धा परकालों की धरती, इन दोनों के कवर आर्ट और उसके साथ साथ उन दोनों की समरी और उनकी बेसिक डिटेल्स। तो दोस्तों हाई क्वालिटी कार्ड्स हैं, कोई किसी तरीके की क्वालिटी को लेकर इनमें शिकायत नहीं आई है अभी तक भी। जितने भी ये कार्ड्स हमको मिले हैं, जितने भी कलेक्टर एडिशंस के साथ में, उसके अलावा स्केच कार्ड जो हर कॉमिक्स को एक मेमोरेबल बना देता है, साथ में दो मैग्नेट स्टिकर्स हमारे पास हैं, एक MDF लेज़र कट स्टिकर ग्लिटर लेमिनेशन के साथ में, और दूसरा आपका शीट मैग्नेट, और उसके साथ साथ हमारे पास ये शानदार सा स्लिप केस, और जिसके अंदर हम सेफली रख सकते हैं अपनी कॉमिक्स को लंबे समय तक रख के। तो ये बन जाता है दोस्तों सही मायनों में एक कंप्लीट
स्पेशल कलेक्टर एडिशन। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, इस कलेक्टर एडिशन पे कहीं स्पेशल लिखा नहीं होता, लेकिन इसकी क्वालिटी इसको स्पेशल बनाती है। दूसरे वाले के कलेक्टर एडिशन में लिखा तो स्पेशल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पेशल बाइंडेड एडिशन के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अगर आप सही तरीके से गेस कर पाएंगे ये कौन सी कॉमिक्स है जो दूसरी वाली कॉमिक्स है, तो उसके साथ आपको मैं देने वाला हूँ एक फटाफट से बहुत बढ़िया सा एक कार्ड डोगा का, शुरू के पहले तीन सही गेस करने वाले लोगों को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अभी हमारा जो गिव अवे चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, नई आने वाली कॉमिक्स की इन्फॉर्मेशन, गिव अवे के विनर्स और गिव अवे को मिलने वाले प्राइजेज और नए गिव अवे जो हम अभी लेकर आने वाले हैं, इसको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें गिव अवे में आने वाली हैं। कोई भी चीज़ आप मिस करना नहीं चाहेंगे तो बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।